अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ड्रामा सीरियल कैसे मैं नसीब ड्रामे का इंतहाई कमाल का प्रमोशन कर देगा। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया लाजमी से करते जाना। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे मैं नसीब ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो कि नाज़रीन आमना यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी जो है अपने नाम करवाना चाह रही है, जिसकी वजह से नाज़रीन यहाँ पर वो रूबी और इसकी माँ से जो है साइन लेना चाह रही होती है। लेकिन रूबी साफ तौर पर यहाँ पर रो रो के कह रही होती है कि आप जो है मुझे मार भी दें लेकिन मैं साइन नहीं करूंगी। जिसके बाद नाज़रीन ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है आमना और कहती है महारा तो अबू भी करेगा साइन। जिसके बाद नाज़रीन इसके बाल जो पकड़ लेती है और जिसके साथ साथ यहाँ पर इजहार को कह रही होती है कि जाओ जहाँ पर तुम जो अम्मा से साइन करवाओ और मैं इससे जो है निपट लेती हूँ। और जिसके बाद नज़रीन यहाँ पर शायद मारे पीटे और जिसके बाद यहाँ पर जो रूबी से साइन लेने में कामयाब हो ही जाए, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। तो ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा वर्थेड है कि यहाँ पर इन लोगों ने ये जो कुछ भी यहाँ पर किया अंकल के साथ और यहाँ पर जो अब रूबी और इसकी माँ के साथ, और नज़रीन यहाँ पर जमीर जो है वो क्या मर चुका है इजहार का, यहाँ पर उसे जो है वो अपनी बीवी का साथ ना देते हुए यहाँ पर अपनी माँ और बहन का साथ देना चाहिए। तो इसे आएगी या नहीं आएगी लाजमी से अपना कीमती इंतजार कमेंट सेक्शन में करते जाना। और दूसरे जन आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो, प्रोमो में आप लोग देखने वाले हो कि नज़रीन जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पर नीला ने यहाँ पर जो अब हमजा की असली रिपोर्ट जो है वो दिखा दी है यहाँ पर अदील को, जिसकी वजह से यहाँ पर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है यहाँ पर। यानी जो है वो नीला ठीक कह रही थी, आंटी झूठ बोल रही थी। जिसके बाद नज़रीन अपने बाप के पास जाएगा और उसे यहाँ पर जब दिखाएगा रिपोर्ट, जिसके बाद इसका बाप देखेगा और देख के शॉक्ड हो जाएगा और कहेगा अदील यहाँ पर ये तो जो है वो हमजा की रिपोर्ट है। जिसके बाद नज़रीन यहाँ पर ये आगे से कहेगा हाँ। जिसके बाद नज़रीन यहाँ पर आगे से सरफराज अंकल कहेंगे कि यहाँ पर ये तो कुछ और ही यहाँ पर रिपोर्ट कहानी बता रही है। जिसके बाद नज़रीन अदील यहाँ पर बताना शुरू कर देगा कि यहाँ पर जो भी हमने जो है वो इल्ज़ाम वगैरह जो है वो लगाए थे नीला पे वो बेबुनियाद थे, वो बेकसूर है। जिसके बाद नज़रीन यहाँ पर अब ये जो है वो अली से भी प्यार करेंगे और यहाँ पर नीला से भी यहाँ पर जो है वो दोबारा से प्यार करना शुरू कर देगा अदील और माफ़ी वगैरह भी मांग लेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग प्रोमो में मजीद देखने वाले इंटरेस्टिंग के नज़रीन यहाँ पर शायद जो सजा मिल चुकी है और जो हमने प्रेडिक्शन की थी वैसे ही होने जा रहा है कि काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है नज़रीन जब इजहार को पता चलता है कि यहाँ पर खान भाई जो शायद भाग चुके हैं, शायद वो एक दो दिन से दिखाई ना दे रहे हैं या कोई और मामला हो जिसकी वजह से इन्हें जो वो पता चला हो। जिसके बाद यहाँ पर ये यही कहेगा इजहार के यहाँ पर खान भाई ने तो यहाँ से जो है मुझसे चेक पे साइन लिए थे, यहाँ पर 75 लाख रुपए कैश था, गाड़ी की चाबी भी उनके पास था, वो सबको लेके भाग तो नहीं गए। जिसके बाद रुखसार भी कहेगी हाँ यहाँ पर ये तो नहीं कि यहाँ पर ये सब कुछ वो खान लेकर जो वो भाग गया हो। यहाँ पर काफी ज्यादा ये टेंशन में आ जाते हैं, यानी नज़रीन यहाँ पर अब ये बर्बाद हो चुका है इजहार, और शायद ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी का रेट वगैरह लगवाए और नज़रीन वो भी इतना ज्यादा ना हो, यहाँ पर अंकल ने जो है ऐसे ही ये शोशा छोड़ा हो कि यहाँ पर ये हमारी खिदमत करेगी लेकिन यहाँ पर ये कुछ और ही मामला हो गया। और इजहार को जब पता चलेगा कि आमना ने ही मेरे बाप को गिराया तब क्या होगा, और ये थोड़ी सी हमारी प्रेडिक्शन हुई। तो प्रोमो के अलावा को बेफ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।